हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 10 बैक टू बैक क्वेश्चन फॉर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मैं शुरू करता हूँ। 31 जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं 31 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैस्क्रेब एंटीन मेजर ऑफ टैक्स प्रोग्रेस CBT, वेयर GA गिनी कॉफिशियंट आफ्टर टैक्स, GB गिनी कॉफिशियंट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर बी होगा, M=1-GA/1-GB। ठीक है, जो मैस्क्रे और थिन जो डेवलप किया था प्रोग्रेसिविटी इंडेक्स M, जिसको कहा जाता है इफेक्टिव प्रोग्रेशन, वो बेस्ट है कंपैरिजन ऑफ गिनी कॉफिशियंट फॉर इनकम बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो M=1-GA/1-GB। तो एक्चुअल में ये क्या है कि ये इंडिकेटर होता है रिलेटिवली इक्वालिटी ऑफ बिफोर एंड आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 इंडिकेट करता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग सेड द मनी इज द टेम्पररी अबाउट ऑफ परचेजिंग पावर। तो आपका इसमें ऑप्शन डी होगा 32 का, मिल्टन फ्राइडमैन ने ऐसा कहा था। फिर है, इन अ हिपोथेटिकल इकोनॉमी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल GDP इज 15% पर एनम। नॉमिनल है 15% पर एनम। एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP डिफ्लेक्टर इज ए 5%। तो इसमें आप 5% है GDP डिफ्लेक्टर, एंड इफ़ पॉपुलेशन इज ए ग्रोइंग एट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ 2% पर एनम, व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल रियल GDP। तो रियल GDP में आपको ये नॉमिनल 15% है उसमें माइनस करनी है 5% जो GDP रिफ्लेक्टर है, फिर 2% आपको फिर माइनस करनी है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है दिया गया है वो 2%। तो 5% माइनस 5% माइनस 2% -7% और 15 -7 = 8%, यानी 33 का जो आंसर होगा डी 8%। GST जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, विच कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से आया, इसका 4 टैक्स स्लैब है अप्लीकेबल टू कॉमोडिटी एंड सर्विसेज इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स स्लैब्स आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बता दें 5%, 12%, 18%, 28%। करेक्ट ऑप्शन इज ए सी। अब 35, विच एमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रिफ्रेंस शेयर। तो इसमें जो ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है। ठीक है, प्रिफ्रेंस शेयर जो नहीं है वही इसका करेक्ट आंसर 35 का डी होगा। एंड इकोनॉमिक्स रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ऑल आइसो क्वाइंट। ठीक है, निगेटिवली स्लॉप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसो क्वाइंट, पॉजिटिवली स्लॉप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसो क्वाइंट, मिडिल ऑफ ऑल आइसो क्वाइंट। तो करेक्ट आंसर बी होगा, जो निगेटिवली स्लॉप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसो क्वाइंट होता है। फिर उसके बाद 37 में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कार्ड गिवन बिलो, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो इसका मिला लो पहले ए, जो एन पी के जो है वो दूसरा कैंस वाला ऑप्शन सही है, कि M=PKT, तो उसका 4 DH रॉबर्टसन,
फिर है पी के आर एम बाय एम, पिगू ने दिया था ए सी पिगू ने, और एम इक्वल टू के पी वाई अल्फ्रेड मार्शल, यानी इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिगार्डिंग टू इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ बैंक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंगम कमिटी ऑन द बैंकिंग रिफॉर्म, इनेक्टमेंट ऑफ EFEMA एक्ट इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सिम बैंक इन इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करनी है 38 का, जो डी होगा, ठीक है। और इसका जो आप कह सकते हो करेक्ट ऑर्डर में जो ये हुआ था, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ बैंक 1969 में हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंगम कमिटी ऑन द बैंकिंग रिफॉर्म 1991 में हुआ था, और इनेक्टमेंट ऑफ FEMA एक्ट इन इंडिया 1999 में हुआ था, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सिम बैंक हुआ था 1982, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका वन डी है आपका होगा, जिसमें वन है पहला, दूसरा फोर है, तीसरा थर्ड है, सेकेंड है, और चौथा थर्ड है। अब यहाँ कंसीडर करना है फॉलोइंग द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, विच ऑफ द अबव इज आर डायरेक्ट टैक्सेस, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कार्ड गिवन बिलो। तो इसका ए होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, और थर्ड भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 39 का ए हो गया। यहाँ मैच द लिस्ट करना है, ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये लिस्ट को कंप्लीट करनी है। तो पहला है जो आपका मिल्टन फ्राइडमैन, जो मिल्टन फ्राइडमैन वो क्या चीज़ दिए थे, सेकंड वाला दिए थे कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। दूसरा है जोसेफ सुपीटर, तो वो हम लोग को दिए थे कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, करेक्ट होगा। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स, डास कैपिटल, थॉमस पी केटी, थर्ड कैपिटल इन द 21st century। तो इसका करेक्ट आंसर 40 का डी होगा, 1, 4, 1, 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।